नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जिन स्टूडेंट ने नर्सिंग कर ली है, एमबीबीएस कर लिया है, उनके लिए राजस्थान सरकार ने वैकेंसी निकाली है। जयपुर के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितनी इसमें पोस्ट है, ये सभी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। विज्ञप्ति है जो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये विज्ञप्ति है जो राजस्थान पत्रिका के न्यूज़पेपर ने 21/5/2021 को रिलीज़ की गई है। इसमें इन्होंने बताया है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम और द्वितीय दोनों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। उनके लिए 2110 पद के लिए नर्सिंग की वैकेंसी निकाली है। टोटल 2110 पद है। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। श्रीमान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक है जो ये नोटिफिकेशन दे रखा है। इसमें आगे इसमें बोला है, जयपुर दिनांक 18/5/2021 के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 संक्रमण को पेंडेमिक घोषित करने पर तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक को 31 जुलाई 2021 तक, ये जो आपको पोस्ट मिलेगी वो 31 जुलाई 2021 तक ही रहेगी। इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये कोई कन्फर्म नहीं है कि इसे आगे बढ़ा ही जाएगा। यदि कोविड कंट्रोल नहीं होता है तो आपको आगे पोस्टिंग जारी रहेगी। अभी 31 जुलाई 2021 तक आपको लिया जाएगा। इसमें आगे है जो देख लेते हैं। इसमें आगे इन्होंने बोला है, नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जिस तरह से प्रत्येक जिला स्तर पर स्वयं सेवकों को चयन किया जाता है, उसी आधार पर कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायकों का चयन किया जाना है। अब इसमें कितने पद है, क्या योग्यता है, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सभी बात अपन कर लेते हैं। इसमें है, जिन स्टूडेंट ने MBBS कर रखा है और RMC पे रजिस्टर्ड है, उनके लिए है कोविड हेल्थ कंसल्टेंट 95 इसमें पोस्ट रहने वाली है। जयपुर प्रथम में 55 है और जयपुर द्वितीय में 40 पोस्ट रहेगी। 39,300 प्रति माह वेतन मिलेगा जिन्होंने MBBS कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में है कोविड स्वास्थ्य सहायक, सेकंड पद है इसमें। कोविड स्वास्थ्य सहायक कुल है जो इसमें 2110 पद है। जयपुर प्रथम में 1208 पद है और जयपुर द्वितीय में 902 पद है। इसमें GNM, BSc नर्सिंग एवं RNC राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसमें प्रतिमाह है आपको 7,900 रुपये मिलेंगे। यदि आगे 31 जुलाई के बाद में कोविड कंट्रोल नहीं होता है, पोस्ट कंटिन्यू रहेगी और आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी जो आपको सैलरी मिलेगी वो 7,900 ही मिलेगा। इसमें उन्होंने बोला है, विशेष वितरण दे रखा है कुछ, वो विशेष वितरण भी अपन देख लेते हैं। आयु सीमा भी इसमें रखी गई है। इसमें आयु सीमा है जो दोनों में आवेदन की अंतिम तिथि को 45 वर्ष तक, जिनकी आयु 45 वर्ष तक है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेष विवरण दे रखा है वो आप देख सकते हो। इसके आगे कुछ नोटिफिकेशन और दे रखा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें आगे इन्होंने बता रखा है, नोट दिया है और नोट में बोला है, खाताधारी आवेदनकर्ता को अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वयं हस्ताक्षरित पासपोर्ट फोटो साइज फोटो एवं निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्रों के सभी वर्षों की प्रमाणित छाया प्रति व मूल निवास प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थियों के संदर्भ में पिता के नाम से जारी किया होना आवश्यक है। आगे इसमें बोला है, मूल निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के समय साथ लाना अनिवार्य है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो आपको मूल निवास लेके जाना आवश्यक है। कुछ आगे एक दो पॉइंट और देख है वो भी अपन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, उक्त मानदेय के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भत्ता आपको देय नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है, उपरोक्त पदों के आवेदन निर्धारित वेबसाइट www.jaipur.rajasthan.gov.in पर आप पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं होंगे, यानी कि ऑफलाइन इसमें कोई भी फॉर्म भरा नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट है, कोविड हेल्थ कंसल्टेंट के नियोजन में PG MD मेडिसिन एवं MD एनेस्थीसिया वाले अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम नियोजन किया जाएगा, यानी कि ये प्रायिकता पहले इनको दी जाएगी। इसके बाद में है फोर्थ नंबर पे, कोविड स्वास्थ्य सहायक का नियोजन में स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, कि जो बच्चे जयपुर से बिलोंग करते हैं उनको पहली प्रायिकता दी जाएगी। क्योंकि ये वैकेंसी है, सभी जगह हर ज़िले में वैकेंसी निकल रही है और मैं सभी के बारे में आपको लगातार बता रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करके रखिए, मैं सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आगे इसमें है, मेरिट बनेगी इसमें आधार पर। देखो, स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत एवं तकनीकी योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाएगा। स्थानीय अभ्यर्थी नहीं मिलने पर अन्य जिलों के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
फिफ्थ पॉइंट इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 28/5/2021 को रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और ये लास्ट डेट है 28/5/2021 तक। इसमें आगे है, निर्धारित तिथि पश्चात किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। 6 नंबर पे है, दस्तावेज सत्यापन के समय अपूर्ण दस्तावेज यानी कि मूल निवास है जो छाया प्रतिलिपि है प्रस्तुत करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, आपको ओरिजिनल ही लेके जाना है। बाद में है, दस्तावेज सत्यापन समय दस्तावेजों की कमी के लिए किसी भी प्रकार का शपथ पत्र मान्य नहीं होगा, आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है जो कि ओरिजिनल ही लेके जाने हैं और कोई भी इसमें यदि डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है तो एफिडेविट नहीं लगेगा। आगे है, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया हेतु सभी मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को ईमेल एवं मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होने पर निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आना होगा, अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक पदों में आवश्यकता अनुसार वृद्धि या कमी का अधिकार चयन कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा। मतलब यदि इनको आवश्यकता होगी तो ये पोस्ट और बढ़ा भी सकते हैं और आवश्यकता नहीं होगी तो पोस्ट घटा भी सकते हैं। इसमें आगे उन्होंने बोला है, इससे संबंधित समस्त न्यायिक दावों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा। आगे आपको और कुछ विस्तृत जानकारी लेनी हो तो आप इस वेबसाइट पर जाके पूरी जानकारी ले सकते हो। एक बार आपको नोटिफिकेशन फिर से दिखा देता हूँ, इसमें टोटल 2110 पद है जो कि कोविड स्वास्थ्य सहायक के होंगे और इसमें कोविड हेल्थ कंसल्टेंट के 95 पद रहेंगे। जयपुर प्रथम और जयपुर द्वितीय दोनों जगह इसकी पोस्ट रहने वाली है। कुछ नोटिफिकेशन और भी दे रखा है, देखिए यहाँ पे, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक पद, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दो पद, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तीन पद, शहरी क्षेत्र में दो पदों का कोविड स्वास्थ्य सहायकों का चयन किया जाना है। इसी प्रकार कोविड हेल्थ कंसल्टेंट के भी कुछ विशेष वितरण यहाँ पे दिया है। भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं तो वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन है जो राजस्थान पत्रिका के न्यूज़पेपर में दिनांक 23 तारीख को ये रिलीज़ किया गया है, आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन भी देख सकते हो न्यूज़पेपर में और वेबसाइट पर भी ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वेबसाइट पर तो ये 21 तारीख को ही डाल दिया गया था। दोस्तों यदि आपको इस वैकेंसी के बारे में या फिर और भी कोई नर्सिंग वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आप मेरे से जुड़े हो इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों यदि आपको इस वैकेंसी के बारे में या फिर और भी कोई नर्सिंग वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आप मेरे से जुड़े हो इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। टेक केयर, लाइक, शेयर।